राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं बहुत यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ। समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सच के रास्ते पर चलता है और एक असत्य के रास्ते पर चलता है, ठीक है। तो सर, जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसको उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं शुरुआत के समय में, और वह समाज में अपने घर में बहुत तरह से प्रताड़ित होता है जो सत्य के रास्ते पर चलता है, और जो असत्य के रास्ते पर चलता है उसके साथ सब कुछ ठीक होता है, एक समय तक सब कुछ ठीक होता है। तो जो सत्य के रास्ते पर चलता है व्यक्ति, वो सोचता है कि असत्य के रास्ते पर चलने हुए व्यक्ति को देख के वह सोचता है कि मुझे भी इसके रास्ते पर चलना चाहिए ताकि इसके साथ सही हो रहा है। तो बस मुझे इतना ही जानना है सर कि जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसको न्याय कम मिलता है, और न्याय मिलने के साथ साथ उसके साथ अच्छा बर्ताव कब होता है? ये बताओ, अर्जुन सत्य के रास्ते पर थे कि असत्य के? सत्य के रास्ते। तो भगवान ने अर्जुन को जिताया महाभारत जी, और दुर्योधन सत्य के मार्ग पर था कि असत्य के? असत्य के। फिर सर्वनाश हुआ। हाँ। तो देर लगेगी जी, लेकिन अधर्म का सत्यानाश होगा और धर्म की विजय होगी। पांडवों को 12 साल वनवास में रहना पड़ा, लेकिन जीत हुई जी। धन्यवाद गुरु जी, खुश रहिए। गुरु जी। हाँ। राधे राधे जी। श्रीमद नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, मेरा सवाल ये है, ये महाराष्ट्र में गौ हत्या नहीं, पूरे भारत में बंद करने का आप संकल्प कर? बिल्कुल बेटा, महाराष्ट्र में शुरू हो, फिर इससे मैसेज जाएगा पूरे भारत में, एक एक से सब होगा। अच्छा गुरु जी, मैं आपका कथा 2 महीने से सुनता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ राकेश कुमार यादव जी। तो मैं आपका कथा 2 महीने सुनता हूँ, सब चिकन अंडा ये सब खाना बंद कर दिया, दारू भी पीने का ये भी मैं बंद कर दिया जी। आपका सिर्फ कथा सुनता हूँ, बहुत सुंदर। बस यही गुरु जी, आपके आशीर्वाद चाहता हूँ, खुश रहिए। मेरा लड़का एक है, वो जरा वैसा टाइप में है, जरा उसको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। जरूर। हेलो महाराज, राधे राधे। आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा महाराज, और आप पूरे विश्व में जो आप पताका फैला रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, वैसे आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं और हम लोग को एक स्रोत बना रहे हैं भगवान तक पहुंचने के लिए और कर्म करने के लिए। हमारा आपके माध्यम से, आपके कथा के माध्यम से इतना निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म में लोग मंदिरों में आरती के समय नहीं जाते हैं, अपने घर के जब अगल बगल में मंदिर है वहाँ पे सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो शाम को कम से कम आरती में सबको जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में आज आरती के लिए खाली महाराज रहते हैं और एक दो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों से निवेदन है कि कृपया करके भगवान से जुड़े रहे और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहे, और सब लोग मंदिर में आरती के समय कृपा करके अपने अगल बगल के मंदिर में आरती के समय अपने बच्चों को भी लेकर जाए और भगवान के मंदिर में बच्चों का आरती के लिए सिखाए, और हमारे सनातन धर्म में प्रभु श्री राम के और श्री कृष्ण भगवान के बारे में सब बताएं माताएं और बहनें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको मना किया जाता है कि आप टीका लगा के नहीं आ सकते, आप चंदन लगा के नहीं आ सकते। तो कृपा करके सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को ये सब धर्म हिंदू धर्म का सब सिखाए और रामायण और भागवत जैसे सभी बच्चों को ज्ञान दे। आपके माध्यम से मैं इतना सूचना देना चाहता हूँ। राधे राधे महाराज।